हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ इट्स क्लास LTGIC बट डेमो। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। आप समझने का प्रयास करें मैं क्या कह रहा हूँ। यह क्लास किसका है? LTGIC का है, मैंने जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं जिनका मैंने एग्जाम होता है जस्ट लाइक टू TGT बट बीइंग कमिटेड बाई द कमीशन। यह कमीशन के द्वारा होता है, चयन बोर्ड के द्वारा नहीं। तो इसका यह सेकंड डेमो वीडियो है। यहाँ पे लिखा गया है कोचिंग का नाम द ऑक्सफोर्ड ऑफ इंग्लिश अ ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट एंड सक्सेस से, तो मेरा स्लोगन है। नेक्स्ट LTGIC डेमो सेकंड वीडियो है, ध्यान रखिएगा। यह दूसरा वीडियो आपके पास जा रहा है, इसके पहले एक वीडियो गया। जब एक वीडियो आपके पास गया था तो उसमें हमने दो चीज़ों पर बेसिकली डिस्कस किया था। एक तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द पैटर्न ऑफ एग्जाम ऑफ TGT एंड LTGIC, दोनों में अंतर क्या है, इसके बारे में डिस्कशन किया गया था। ढेर सारी बातों के बारे में जिक्र भी हुआ था कि वहाँ 150 क्वेश्चंस होते हैं LTGIC में, TGT में 125 क्वेश्चन होते हैं, माने मोर एडिशनल कितने होते हैं 25 क्वेश्चन, लेकिन 30 क्वेश्चन GS के होते हैं, TGT में नहीं होते हैं। इन सब बातों पे काफ़ी कुछ हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन किया था। उसके बाद आपको प्रोसेस भी बताया गया था, सिलेबस आपको भेजा गया था। पूरा सिलेबस लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोचिंग के बारे में लिखा गया है। LTGIC डेमो सेकंड वीडियो लिखा है, मोबाइल नंबर लिखा है 9415634828783931461 3 9335355899। तो यह तो इसलिए लिख दिया जाता है जो न्यू कमर हैं, जो कुछ क्वेरी करना चाहते हैं, अगर वह चाहते हैं तो इनके माध्यम से क्वेरी कर सकते हैं। तो यह आज का जो वीडियो है यह क्या है, सेकंड डेमो वीडियो है। जैसा कि मैं कहता हूँ हमेशा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द टीचर, अबाउट हिज मेथड ऑफ टीचिंग, अबाउट द सब्जेक्ट मैटर, एंड देन कंपेयर ऑल द थिंग्स विद योर एग्जाम फ्रॉम द ओल्ड पेपर्स विद असिस्टेंस ऑफ द ओल्ड पेपर्स। जो पुराने पेपर्स हैं उनके माध्यम से आप चेक करने का प्रयास किया करें। कोई भी टीचर आपको पढ़ाता है तो उसका पैटर्न आपको समझ में आए तब एडमिशन लिया करें। इसीलिए आपको पूरे के पूरे एक सप्ताह का डेमो दिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, कि आपको कहीं से यह न लगे आई एम बीइंग चीटेड, आई एम चीटेड, मेरे साथ धोखा हुआ। आज अभी जो प्रोसेस ऑफ एग्ज़ाम था, जो पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम था, उसके बारे में डिस्कशन हुआ था। अब आज यहाँ पे अबाउट द टॉपिक्स होगा। सिलेबस काफ़ी कुछ लेंदी है, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिलेबस लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिलेबस ऑलरेडी आप तक पहुंचा दिया गया। जब फर्स्ट वीडियो गया था तो उसके साथ ही सिलेबस आपको भेज दिया गया था। तो फिर आज हम यहाँ पे स्टडी बिगिन करेंगे, अध्ययन का प्रारंभ करेंगे। जब अध्ययन का प्रारंभ करेंगे तो आपका जो इंग्लिश का सिलेबस है उसको बताया गया। बेसिकली वह दो पार्ट में बटा हुआ है। एक पार्ट कौन सा है, आपका लैंग्वेज का सेक्शन है। दूसरा पार्ट क्या है, जो सिलेबस है। दूसरा पार्ट जो है वह लिटरेचर का सेक्शन है। दोनों ही पार्ट हमारे संस्था में हमारे ही द्वारा पढ़ाए जाते हैं, वह चाहे लैंग्वेज हो जाए चाहे लिटरेचर हो जाए। जो डिस्कशन शुरू होगा, जो डिस्कशन बिगिन होगा, यद्यपि आपको प्रतिदिन दो वीडियो मिलेंगे, आपका जो मेथड ऑफ टीचिंग होगा यहाँ पे पहले उसको लिख दिया जा रहा है। आज जो है मान लीजिए ऐसे लिखा गया LTGIC रेगुलर क्लास, रेगुलर यहाँ क्लास के बारे में लिख देते हैं। तो जो क्लास रेगुलर चलेगा वह कैसे चलेगा वह ऐसे देख ले, यू विल गेट डेली टू वीडियोज, कितने मिलेंगे टू, कितने, यू विल गेट डेली टू वीडियोज, आपको वीडियोज कितने मिलेंगे, दो वीडियोज मिलेंगे। अब टू में वन किसका होगा लिटरेचर, और प्लस वन किसका होगा यह लैंग्वेज, मान लीजिए यह किसका हो जाएगा लैंग्वेज, एक तो यह होगा। उसके बाद आपको मिलेगा क्या, फाइव क्वेश्चंस डेली विद रिस्पांस, बट इन द नेक्स्ट डे, इन द नेक्स्ट वीडियो, जो नेक्स्ट हमारा प्रोसेस होता है वह क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो। आपको आज प्रश्न देंगे, आपको आज हम प्रश्न देंगे, लेकिन इनका उत्तर कल मिलेगा, तो कल फिर पांच प्रश्न हो जाएंगे। इस तरीके से प्रतिदिन आपको पांच प्रश्न मिलते हैं, और यह जो प्रोसेस होगा प्रश्नों का, यह जो फाइव क्वेश्चन डेली होगा, यह बोथ होगा नेक्स्ट वीडियो, फॉर बोथ, या यहाँ लिख देते हैं फॉर बोथ, बोथ का मतलब लिटरेचर
एंड ग्रामर, यह क्या हो जाएगा, लिटरेचर और ग्रामर दोनों के लिए हो जाएगा। दोनों के वीडियोज आपको मिलेंगे और दोनों में ही प्रश्न मिलेंगे। आप एक छोटा सा नमूना देख लें, आगे आप पढ़ेंगे, या जो पुराने बच्चे पढ़ चुके हों आप उनसे देख लें। वर्ड पावर में पीजीटी में जो प्रश्न आए हुए हैं, स्पेशली अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, उसमें जो एंटोनिम है, जो सिनानिम है, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वह सीधे सीधे वीडियो से आए हुए हैं। उसमें जो एक्सरसाइज कराई गई उससे फंसे हुए हैं। तो 5 क्वेश्चन डेली विद रिस्पॉन्स, बट इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर बोथ लिटरेचर एंड लैंग्वेज हो जाएगा। अब देखें नोट्स इन पीडीएफ फॉर्म, NO नोट्स इन क्या होगा, PDF फॉर्म, जो आपको नोट्स मिलेगा वह क्या है? मिलेगा PDF फॉर्म, बट ऑन ध्यान रखिएगा संडे। इट मीन्स वंस अ वीक या ट्वाइस वीकली, हो सकता है 2 सप्ताह में एक बार मिले आपको, ये भी हो सकता है, हो सकता है पर वीक आपको यह अवेलेबल हो जाए। तो जो पढ़ाने का दूसरा मेथड होगा, नोट्स इन पीडीएफ फॉर्म होगा, बट ऑन संडे, इट मींस वंस अ वीक और ट्वाइस वीक। अब देखें नेक्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर होगा, मॉडल टेस्ट पेपर्स, ये क्या होगा, ऑनलाइन, ये ऑन LINE लिखा है सर, यह क्या होगा, ऑनलाइन होगा। अब देखें अगर कोई ऐसा बच्चा है जो पीडीएफ फॉर्म में नोट्स नहीं लेना चाहता है, जो पीडीएफ फॉर्म में नोट्स नहीं लेना चाहता है, अगर वह ऑफिस में आता है तो देन ही विल रिसीव द हार्ड कॉपी ऑन द चार्ज ऑफ फोटो कॉपी, ऑन द कॉस्ट ऑफ फोटो कॉपी, जो फोटो कॉपी की कॉस्ट आती है उस कॉस्ट को आपको देना होगा और उससे आपको जो नोट्स होंगे वो मिल जाएंगे लिटरेचर लैंग्वेज दोनों के। तो चले देख लें, यह सेकंड डेमो वीडियो किसका है, यह LTGIC रेगुलर क्लास याद से शुरू हो रहा है। क्या लिखा गया है, नंबर एक में देखें, यहाँ यू विल गेट डेली 2 वीडियोज, यहाँ पे क्या लिखा गया है, 2 वीडियोज, माने 2 वीडियो आपको डेली मिलेंगे, वह क्या होंगे, एक आपका हो जाएगा लिटरेचर, दूसरा लैंग्वेज का हो जाएगा। 5 क्वेश्चंस डेली विद रिस्पांस, बट इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर बोथ लिटरेचर एंड लैंग्वेज, दोनों का वीडियोज का आपको 5 प्रश्न डेली दिए जाएंगे, लिटरेचर लैंग्वेज दोनों पे नेक्स्ट है उसका रिस्पांस दिया जाएगा। नोट्स जो मिलेगा इन पीडीएफ फॉर्म मिलेगा, बट ऑन संडे, इट मीन्स वंस अ वीक, जो नोट्स मिलेंगे वह मोस्टली कब मिलते हैं, संडे को। संडे को देने के पीछे एक रीज़न होता है कि जब भी कोई पीडीएफ सेंड किया जाता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल शेक्सपियर, तो कटिंग करके तो भेजे नहीं जा सकते हो। अब शेक्सपियर मैंने 20 प्ले पढ़ाया, 25 प्ले पढ़ाया, या TGT की बात कर रहे हैं, PGT की, आप में तो शेक्सपियर के 3 प्ले हैं, 3 का मिलेगा। तो अगर 3 प्ले का प्लस लाइफ स्केच इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देख ले तो लगभग शेक्सपियर महोदय को 70-80 पेज हो जाएगा। तो अब 70-80 पेज जितने बैचेज हैं मल्टीप्लाई 20 बैचेज का कोई भरोसा नहीं, 5 बैचेज में 45 बैचेज थे टोटल, उतने बैचेज में हमको सेंड करना है। तो कई बार जो वेबसाइट है वह दिक्कत करती है, ट्रबल करती है, हैंग कर जाती है, इसलिए संडे को रखा जाता है कि संडे को इत्मीनान से सेंड किया जाता है। नेक्स्ट है मॉडल टेस्ट पेपर्स, यह ऑनलाइन होता है मॉडल टेस्ट पेपर। नेक्स्ट ऑफिस हार्ड कॉपी, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कहता है कि PDF नहीं, हम आएंगे हमको जो है हार्ड कॉपी में नोट्स चाहिए, तो अगर आप ऑफिस से आते हैं नोट्स ले जाते हैं, ऑफिस में आते हैं नोट्स ले जाते हैं, तो फिर आपको उस नोट्स की कॉस्ट देनी पड़ती है। कॉस्ट माने चाहे 30 पैसे 50 पैसे पेज लगता है, जो भी लगता होगा वह आपको पे करना पड़ता है, पहले बता देना चाहिए, क्योंकि बाद में आप आते हैं तो आपको दिक्कत होती है, यद्यपि बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, टोटल अमाउंट देखें 200-400 की बात होती है, लेकिन पहले से कंफर्म होना जरूरी है। अब चले देख ले, यह क्या है, रेगुलर क्लास लिखा गया है, आज से रेगुलर क्लास। तो फ्रॉम वेयर टू बिगिन द स्टडी, हम अध्ययन कहाँ से शुरू करें, फ्रॉम वेयर टू बिगिन द स्टडी, हम अध्ययन कहाँ से शुरू करें, तो अध्ययन अलग अलग 2 टॉपिक से होगा, क्योंकि आपके कोर्स में जो प्रेस्क्राइब्ड है वह क्या है, 2 चीज़ें हैं, एक लैंग्वेज पोर्शन है, दूसरा लिटरेचर है। तो जो लैंग्वेज पोर्शन है उसमें जहाँ से शुरुआत हो रही है वह क्या है, कंप्रिहेंशन है लैंग्वेज पोर्शन में, कंप्रिहेंशन है, या पंचुएशन कहीं से भी किया जा सकता है, दोनों ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। यह तो बात रही लैंग्वेज पोर्शन की। अब लिटरेचर में देखें, अगर बात करें तो लिटरेचर में जो सेक्शन ए है, ऑल द
कोर्स ऑफ लिटरेचर इज डिवाइडेड इनटू फोर सेक्शंस, चार सेक्शन में है। तो नंबर एक लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स, लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स। अब लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स बहुत लेंथी है, कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है। यहाँ से अगर शुरू किया जाता है तो हो सकता है कुछ लोगों को दिक्कत हो, यहाँ से अगर शुरू किया जाता है। दूसरा है पोएट्री, पोएट्री में ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स इन पोएट्री इन इंग्लिश विद स्पेशल रेफरेंस टू द फॉलोइंग शेक्सपियर सॉनेट्स 29। तो यहाँ से है, या तो हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं। जो सी सेक्शन है वह ड्रामा है, अभी तो आपको भेजा ही जा चुका है, ऑलरेडी आपको भेजा जा चुका है। जो सी सेक्शन है वह ड्रामा है, ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स इन ड्रामा इन इंग्लिश विद स्पेशल रेफरेंस टू द फॉलोइंग शेक्सपियर्स मैकबेथ, ट्वेल्थ नाइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, तीन है। तो ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स इन ड्रामा, यहाँ से शुरू करते हैं। आज का जो क्लास होगा बिगिनिंग कहाँ से होगी, लिख दिया जा रहा है आज के क्लास की बिगिनिंग ड्रामा से होगी। यहाँ दिया गया है ड्रामा, ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स इन ड्रामा। अब देखें जिस टॉपिक की शुरुआत हो रही है वह क्या है, ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स, ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स इन ड्रामा, इन ड्रामा इन इंग्लिश। इन इंग्लिश विद स्पेशल रेफरेंस टू, यहां दिया गया है विद स्पेशल, विद रेफरेंस टू विलियम शेक्सपियर। अब चले यहां पे जो हेडिंग है उसको मैंने लिख दिया है, हेडिंग क्या है, हम सी सेक्शन से शुरुआत कर रहे हैं, माने जो आपका कोर्स है वह LTGIC आज से रेगुलर क्लास शुरू हो रहा है। रेगुलर क्लास में हम शुरुआत किससे कर रहे हैं, हम सी सेक्शन से कर रहे हैं, ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स इन ड्रामा इन इंग्लिश विद स्पेशल रेफरेंस टू विलियम शेक्सपियर। यद्यपि आपका जो सिलेबस है ELT का वह कहता है कि टू बिगिन द स्टडी ऑफ ड्रामा फ्रॉम एलिजाबेथन पीरियड व्हेन द ड्रामा इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर रीच्ड एट इट्स अपेक्स। अगर इंग्लिश लिटरेचर में देखें तो ड्रामा अपेक्स पे कब पहुंचता है, ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी एंड अर्ली ऑफ 17th सेंचुरी, मीन्स द होल ऑफ एलिजाबेथन पीरियड विद द अर्ली जैकोबियन पीरियड, इसमें अपेक्स पे होता है ड्रामा। तो स्टडी हमको कहाँ से करना चाहिए, विलियम शेक्सपियर से करना चाहिए, बशर्ते संक्षेप में ही सही डिस्कशन हो जाए, एक लेक्चर हो जाए संक्षेप में। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा, द इम्पॉर्टेंस ऑफ ड्रामा, द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रामा, तीन चीज़ों पे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेंगे। जैसा कि एक वीडियो गया होगा उसमें देखें कैसे कैसे माने क्या बोलते हैं मिसकंसेप्शन माने भ्रांति युक्त स्टेटमेंट लोग देते हैं, आई डोंट नो आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पर्पज बिहाइंड सच स्टेटमेंट्स गिवन बाय द स्कॉलर्स हु ऑलवेज आर स्टूडेंट और द टीचर, आई डोंट नो मच मोर अबाउट देम, यद्यपि हमें नहीं पता वो क्या कहते हैं। बशर्ते शेक्सपियर पढ़ाने के लिए अभी ELT में हम शुरू कर सकते हैं, सीधे सीधे हम शेक्सपियर शुरू कर सकते हैं, लेकिन नहीं शेक्सपियर नहीं शुरू करेंगे क्योंकि अल्प विद्या भयंकरी, आप जाने तो अच्छे से जाने। अब हम पहले दो चीज़ों को देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा गया है, एक लिखा गया है ड्रामा, दूसरा लिखा गया है प्ले, दोनों में पहले अंतर समझ लीजिएगा। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, LTGIC के सी सेक्शन को लिया गया है, सी सेक्शन में जो टाइटल है वह पहले हम देखेंगे कि ड्रामा और प्ले, तो अंतर हम समझ लें। वैसे प्ले बराबर, प्ले क्या है, वर्ब है, प्ले यह वर्ब है, यह नाउन होता है, लेकिन यह भी नाउन है और यह भी नाउन है। प्ले हमेशा प्लूरल सेंस में प्रयुक्त होता है, प्ले से द प्लेज ऑफ शेक्सपियर बट द ड्रामाज ऑफ शेक्सपियर, यह हमेशा सिंगुलर नंबर में यूज होता है। वैसे ड्रामा का मतलब क्या होता है, DRAMA, ड्रामेटाइजेशन ऑफ ह्यूमन एक्शंस एंड एक्टिविटीज थ्रू द स्टेज दैट इज कॉल्ड ड्रामा। नाटक से क्या मतलब है, मानवीय कृत्यों का इमिटेशन ऑफ ह्यूमन एक्शन एंड एक्टिविटीज देन रिप्रेजेंटेशन थ्रू द स्टेज दैट इज कॉल्ड ड्रामा। नाटक किसे कहा जाता है, पहले मानवीय कृत्यों का हम अनुसरण करते हैं, फिर उसी कैरेक्टर को हूबहू, पहले रावण के पाठ को हमने रटा, पहले राम के पाठ को हमने रटा, पहले मैकबेथ के पाठ को हमने रटा, पाठ मीन्स जो उसका एक्शंस एंड एक्टिविटीज हैं, जो क्रियाकलाप हैं, जो डायलॉग्स हैं, हमने उसको रटा, उसके बाद हमने हूबहू एक्शन कर दिया, तो उसे क्या कहा गया, ड्रामा कहा गया। ड्रामा मीन्स क्या होता है, इमिटेशन ऑफ ह्यूमन एक्शन एंड एक्टिविटीज जेन रिप्रेजेंट देम थ्रू द स्टेज। अब प्ले बराबर क्या हो गया, सर्टेन ड्रामेटिक क्रिएशंस विच आर कंपोज्ड ओनली फॉर द परफॉर्मेंस,
आप नमूना देख ले। ड्रामा जरूरी नहीं है कि यह लिखा गया है परफॉर्म होगा, क्लोज़ेड ड्रामा, वन एक्ट प्ले, कर्टन रेजर, यह ऐसे ड्रामा होते हैं जो परफॉर्म नहीं होते हैं लेकिन जहां प्ले लग जाता है वह या तो मोनोड्रामा मेलोड्रामा हो गया या तो फुल एक्ट होगा, यह एक अंतर है। तो ड्रामाज गलत होता है, इसका प्लूरल नहीं बनता है और प्ले का प्लेज बनता है, वह यद्यपि दोनों यहां नाउन की तरह वर्क करते हैं। अब चले हम देख लें, यह तो टाइटल की बात थी, हेडिंग की बात थी। अब हम डिस्कशन शुरू करते हैं ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा। तो अगर आपने डब्ल्यू जे लांग को पढ़ा होगा, डब्ल्यू जे लांग का जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है उसमें लांग महोदय ने लिखा है कि द क्रेडल ऑफ लिटरेचर स्पेशली ड्रामा वॉज फाउंड फर्स्ट ऑफ ऑल इन एंशियंट ग्रीस। संक्षेप में ही बताया जाएगा, जो वास्तव में अगर नाटक को देखें, नाटक की उत्पत्ति ओरिजिन है या ऐसे लिख दी माने ड्रामा ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, तो जो नाटक की उत्पत्ति होती है वास्तव में कहीं ना कहीं से देखें ड्रामा वॉज बींग स्टिमुलेटेड। नाटक जो है उत्पादित होता है कहाँ से होता है या प्रेरित होता है, फ्रॉम द रिलीजन, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलीजन वॉज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा सिंस फॉर एंशियंट, सुदूर प्राचीन काल से देखें जिम्मेदार है। यह ड्रामा कहाँ पे जनरेट होता है, यह एंशियंट ग्रीस में जनरेट होता है, एंशियंट ग्रीस। इसीलिए लॉन्ग महोदय ने लिखा है कि द क्रेडल ऑफ लिटरेचर वॉज फाउंड फर्स्ट ऑफ ऑल इन एंशियंट ग्रीस। कहाँ पे साहित्य का पालना पड़ता है, एंशियंट ग्रीस में पड़ता है। एंशियंट ग्रीस में देखें जो उनका चीफ गॉड था डायोनिसस, डी आई ओ एन वाई एस यू एस, यह जो डायोनिसस महोदय थे डायोनिसस, इनके सम्मान में एक व्यक्ति जो है मुखौटा लगा के बैठ जाता था और यहाँ पे परफॉर्मेंस हुआ करता था। तो यही डायोनिसस, यही बाद में इनका परफॉर्मेंस कुछ ऐसे ही था जैसे माघ मेला, आप देख लें इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी एंड अलाहाबाद इन प्रयागराज, जैसे अ सिटी इनसाइड द सिटी, शहर के अंदर शहर हो जाता है, उसी तरह एथेंस में एक डायोनिसिया नाम का शहर हो जाता था जहाँ पे यह ड्रामेटिक परफॉर्मेंस हुआ करते थे। यही से दो टर्म डेवलप होते हैं, एक था ट्रेगोडिया, टी आर ए जी ओ आई डी आई ए, जिससे बाद में क्या डेवलप होता है, यह ट्रेजिडी डेवलप होता है। दूसरा था के ओ एम ओ आई डी आई ओ, बाद में जिससे क्या डेवलप होता है, कॉमेडी। अगर कोई कहता है सी ओ एम ओ एस कोमोस, तो यह कोमोस क्या है, यह लैटिन है, लेकिन यह दोनों जो मैंने लिखा है यह क्या है, दोनों ग्रीक हैं, ध्यान रखिएगा। तो अब देखें तो जो ट्रेगोडिया था, जो ट्रेजेडी था वो क्या था, अनहैप्पी एंडिंग थी। वैसे ट्रेजेडी को पहले क्या कहा जाता था, अ ही गोट सॉन्ग कहा जाता था, अ ही गोट सॉन्ग कहा जाता था। अब अ ही गोट सॉन्ग क्यों कहा जाता था, क्योंकि कई फैक्टर थे। ही गोट क्यों कहा जाता था, आप कह सकते हैं कि वी कॉन डिफ्रेंशिएट द जेंडर ऑफ द एनिमल्स अकॉर्डिंग टू दियर सॉन्ग, बट वी कैन डिफ्रेंशिएट द जेंडर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ, मैंने जो मैन एंड वुमेन हैं हम उनको तो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं लेकिन हम एनिमल्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ही और सी लगाने से तात्पर्य क्या है, ही और सी लगाने से इतना ही तात्पर्य है कि यहाँ पे जो एक्टर्स होते थे, इट वॉज अ पाइस ओकेजन, यह बड़ा एक पवित्र त्यौहार था, तो जो एक्टर्स होते थे दे मोस्टली वो पहना करते थे क्या, गोट स्किन पहनते थे, इसीलिए ही गोट सॉन्ग, जो एक्टर खड़ा हुआ है ही इज लुकिंग जस्ट लाइक अ गोट, गोट की तरह। दूसरा देखें, वह जो विक्टर होता था, अ गोट वॉज गिफ्टेड, अ गोट गिफ्ट की जाती थी, तो जो गिफ्ट की जाती थी जिसे अल्टर्ड बलि दिया जाता था वह जो था वह ही गोट था, न कि सी गोट था, इसीलिए ही गोट सॉन्ग कहा जाता है। यह कॉमेडिया हो गया। अब देखें लेटर ऑन, यह जो ट्रेजेडी और कॉमेडी थी यह किसके द्वारा परफेक्ट की जाती है, डायोनिसस के द्वारा, फ्रॉम रिलीजन। अब ड्रामा इन ग्रीस आप पढ़ रहे हैं, संक्षेप में ही समझाया जा रहा है क्योंकि फॉर्म्स एंड मोमेंट्स में भी इनके बारे में डिस्कशन होगा, बैकग्राउंड है, एक बार एलिजाबेथन तक आज आपको पहुंचा देना है। तो यहाँ पे देखें जो ट्रेगोडिया और कॉमेडिया थी, लेटर ऑन आफ्टर 600 BC इट केम आउट फ्रॉम द क्रीप ऑफ रिलीजन इन द हैंड्स ऑफ द प्रैक्टिकल सोशल ड्रामेटिस्ट ऑफ एंशियंट ग्रीस। बाद में देखें तो यह जो माने धर्म था, धर्म से बाहर आती है, धर्म के आवरण से बाहर आती है और यह प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड सोसाइटी पे सेंटर्ड होती है। इस समय पे तीन ड्रामेटिस्ट होते हैं या तीन ट्रेजेडियन होते हैं, तीनों एक दूसरे से बढ़कर के होते हैं। एंशियंट ग्रीस में अगर देखें, ये ग्रीस की ही बात चल रही है, तो नंबर एक पे कौन आते हैं, ए ई एस,
CHYLES एक्लेस महोदय आते हैं, नंबर दूसरे पे SOPHO सोफोक्लीज आते हैं, तीसरे पे यूरिपिडीज EURIPIDES यह यूरिपिडीज आते हैं। इन लोगों ने लेखन कार्य प्रारंभ किया। यह क्या थे, मोस्ट मॉडर्न माइंडेड थे जो ट्रेजी कॉमेडी जिसे कहते हैं, द यूज ऑफ द सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, उसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किसने किया है, इन्होंने किया है। वैसे फादर को देखें तो रियल जो डिजर्विंग कैंडिडेट है सोफोक्लीज इज रिगार्डेड फादर ऑफ क्लासिकल ट्रेजडी। यूरिपिडीज को कहा जाता है द प्रिंस अमंग द क्लासिकल ट्रेजडियन कहा जाता है। यहाँ तक आज आपको समझ में आ गया, ये संक्षेप में ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा आपको समझाया जा रहा है। अब चले यहाँ से हम देखें, आ जाते हैं कहाँ, ब्रिटेन आ जाते हैं, ड्रामा इन इंग्लैंड में हम आ जाते हैं। तो एज फार एज द मैटर रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा, एज आई हैव स्टेटेड अर्लियर दैट ड्रामा सिंस एंशिएंट अप टू द अर्ली मेडिवल एरा वाज बीइंग इंस्पायर्ड फ्रॉम द इवेंट्स व्हिच वर परफॉर्म बाय द रिलीजियस अथॉरिटीज। जो धार्मिक माने लोग होते थे, पुरोहित होते थे, वह जो ईश्वरीय कृत्यों का मंचन किया करते थे, नाटक कहीं ना कहीं उससे प्रेरित हुआ था। अब अगर हम ग्रीस से रोम की तरफ ना डाइवर्ट हो करके ड्रामा इन इंग्लैंड आ जाते हैं, ठीक है ना। अब देखें ड्रामा यह क्या है, इन इंग्लैंड में हम आ जाते हैं, यह क्या है ड्रामा इन इंग्लैंड। तो अगर ड्रामा इन इंग्लैंड में हम आते हैं तो फिर हमको जहां जाना होगा वह क्या है, रिलीजन है, हमको लौटना होगा कहां पे, 597 AD। अब आप कहेंगे कि व्हाट इज इट, 597 AD क्या है, तो सेंट अगस्टाइन यह क्या थे, अ मॉन्क ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन, यह माने क्रिश्चियन धर्म के मंक थे। इनको भेजा कहाँ गया था, सेंट अगस्टाइन को भेजा गया था रोम के पोप द्वारा, इनको भेजा गया था टू स्प्रेड द क्रिश्चियन रिलीजन इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में आप जाइए, क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करिए। वैसे इनके पहले देखें तो लोगों ने प्रयास किया था क्रिश्चियन धर्म को विस्तारित करने के लिए, क्रिश्चियन धर्म को विस्तारित करने का प्रयास किया गया था। उसमें सेंट पैट्रिक महोदय कहाँ क्रिश्चियन धर्म को डेवलप किया, सेंट पैट्रिक महोदय को देखें तो आयरलैंड में क्रिश्चियन रिलीजन को विस्तारित करने का श्रेय दिया जाता है। इन्हीं के डिसिप्लिन, इन्हीं के प्यूपिल थे सेंट कोलंबा, जिन्होंने कि क्रिश्चियन रिलीजन को कहाँ डेवलप किया, इन्होंने स्कॉटलैंड में डेवलप किया। जहाँ तक इंग्लैंड की बात है तो इंग्लैंड में सेंट अगस्टाइन महोदय को श्रेय दिया जाता है, सेंट अगस्टाइन महोदय को। और 597 AD में यह आते हैं। अब उसके बाद देखें तो इंग्लैंड में क्रिश्चियन रिलीजन को सबसे पहले जिस बंदे ने, जिस राजा ने अपनाया, वह कौन होते हैं, एगलबर्ट या इथेलबर्ट को माना जाता है। जब यह क्रिश्चियन रिलीजन डेवलप करने लगा तो ऑल द इम्पोर्टेंट स्टोरीज गिवन इन द बाइबल वर परफॉर्म बिफोर द पब्लिक टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द पीपल टू बी डाइवर्टेड टू बी कन्वर्टेड इन टू क्रिश्चियन रिलीजन। हर एक धर्म कहीं ना कहीं अपने ईश्वर को, उसके द्वारा किए गए कृत्यों को सबसे बढ़ करके दिखाना चाहता है। तो अब यहाँ से देख रहे हैं एक नए प्रकार का मंचन शुरू हुआ, जिसे क्या कहा गया, लिटर्जी। अब देखें यह क्या था, लिटर्जिकल परफॉर्मेंस होना शुरू किया। लिटर्जिकल बराबर क्या हो गया, लिटर्जी या लिटर्जिकल, LITURGICAL यह लिटर्जिकल था। अब लिटर्जिकल क्या था, तो जो लिटर्जिकल था, ऑल द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स विच वर गिवन इन द बाइबल वर परफॉर्म थ्रू द पजियंट माने मूवेबल प्लेटफॉर्म बिफोर द पीपल टाउन टू टाउन एंड सिटी विलेज टू विलेज टू अट्रैक्ट दियर अटेंशन टू वर्ड द क्रिश्चियन रिलीजन। उसे क्या कहा गया, लिटर्जी या लिटर्जिकल, इसे रिलीजियस सेरेमनी आप कह लीजिए, धार्मिक उत्सव। अब बाद में जो लिटर्जी था उससे हट करके एक नए प्रकार का नाटक पैदा हुआ, जिसे क्या कहा गया, जिसे मिस्ट्री कहा गया। फिर इसके बाद जो डेवलप हुआ वह क्या कहा गया, मिरेकल कहा गया। अब मिरेकल के बाद जो आता है वह क्या कहा गया, मोरेलिटी कहा गया। अब मोरेलिटी के बाद जो आता है वह इंटरल्यूड्स कहा गया। अब चले देख ले, इनके बाद रेगुलर ट्रेजेडी आ जाता है, रेगुलर यह क्या है, ट्रेजेडी और रेगुलर, रेगुलर क्या आ जाता है, यह कॉमेडी आ जाता है। चले देख लें,
तो आज का जो डिस्कशन है वह किस पे आधारित है, तो जब सेंट अगस्टाइन महोदय आते हैं तो इनके साथ पूरा का पूरा एक क्रिश्चियन मिशनरी का हुजूम आता है, हुजूम माने कैंडिडेट्स आते हैं। और यह सब इनका जो पर्पस था, इनका पर्पस क्या था कि एट एनी कास्ट वी हैव टू कन्वर्ट द रिलीजन, हमको हर हालत में, चूंकि जो ब्रिटिश पब्लिक था वह क्या था, पैगन था, पैगन माने द वर्शिपर ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, तो पैगन था। तो इन लोगों ने सबसे पहले जो किया, लिटर्जी किया, लिटर्जिकल परफॉर्मेंस किया, रिलीजियस सेरेमनी के रूप में था। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आता है वह क्या आता है, हिस्ट्री आता है, ऑल द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स रिलेटेड टू द लाइफ एंड एक्शंस ऑफ जीसस क्राइस्ट। यह जो मिस्ट्री था, यह लाइफ एंड एक्शंस ऑफ जीसस क्राइस्ट, ध्यान रखिएगा, यह जीसस क्राइस्ट के ऊपर जितनी महत्वपूर्ण घटनाएं थी, उन्होंने एक मछली से सबका पेट भर दिया, पानी पियो चले, वह हैंडीकैप्ट को सही कर दिया, वह डेड मैन को अलाइव कर दिया, ढेर सारी इवेंट्स परफॉर्म होती थी। मिरेकल जो था, जो मिरेकुलस सेंट्स ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन थे, या उनके ऊपर था जो मिरेकुलस सेंट्स ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन थे। उसके बाद आता है मोरेलिटी, जो मोरेलिटी है तो वह जो मोरेलिटी परफॉर्मेंस था पहली बार देख रहे हैं, जस्ट एज मिस्ट्री एंड मिरेकल वर द हाईली रिलीजियस, इट वाज द फर्स्ट वैरायटी ऑफ इंग्लिश ड्रामा विच वाज सोशल। यह एलिगोरिकल फॉर्म में परफॉर्म होता था, यह अलग बात है, मास्क परफॉर्मेंस होता था यह अलग बात है, लेकिन यहाँ से नाटक सोशल होने लगता है मोरलिटी ड्रामा से। उसके बाद आ जाता है इंटरल्यूड, इंटरल्यूड मीन्स अ क्यूरियस मिक्सचर, अ क्यूरियस ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, बोथ होता है। तो चले देख ले, अब यहाँ जैसे ही इंटरल्यूड आप पहुँचते हैं तो आप कहाँ पर पहुँच जाते हैं, आप 16 ड्रामा इंग्लैंड 16 सेंचुरी में पहुँच जाते हैं। अब देखें 16 सेंचुरी में क्या कंडीशन है, तो ड्यूरिंग 16th सेंचुरी एज आई हैव स्टेटेड अर्लियर द ड्रामा ऑन इंग्लिश लिटरेचर रीच्ड एट इट्स अपेक्स, नाटक जो है वो अपेक्स पे पहुंच जाता है। तो जब नाटक अपेक्स पे पहुंच जाता है तो देखें उस दौरान जो यूनिवर्सिटी बिट्स, इनको हमें पढ़ना है, इनको हमें समझना है, क्योंकि जो डिटेल आपको पढ़ाएंगे ही द यूनिवर्सिटी बिट्स और यूनिवर्सिटी बिट्स के साथ जो आपको पढ़ाया जाएगा वह क्या है, आपको द डिफरेंस बिटवीन सोशल या द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल रोमांटिक एंड सिनेकन ट्रेजडी यहाँ पढ़ाया जाएगा। तो अब रेगुलर ट्रेजडी एंड कॉमेडी आ जाती है। ट्रेजडी में देखें गॉर्बोडक, आपने पढ़ा होगा गॉर्बोडक इज रिगार्डेड द फर्स्ट सिनेकन ट्रेजडी या द फर्स्ट ट्रेजडी फुल ऑफ ब्लडशेड क्राइम क्रुएलिटी मर्डर सुपरनेचुरल एलिमेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर रिगार्ड किया जाता है गॉर्बोडक को। उसी तरह से देखें, आपने पढ़ा होगा राल्फ रॉयस्टर ड्वाइस्टर, राल्फ को क्या कहा जाता है, द फर्स्ट ब्रेगर्ट लवर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। तो राल्फ रॉयस्टर ड्वाइस्टर क्या है, द फर्स्ट क्लासिकल कॉमेडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसके सिवा गैमर गर्टन्स निडल आपको याद होगा, तो जो गैमर गर्टन निडल है वह क्या है, तो जो गैमर गर्टन्स निडल है उसे रिगार्ड किया जाता है द फर्स्ट रोमेंटिक कॉमेडी ऑफ लिटरेचर। तो आज का क्लास यहीं तक, अब नेक्स्ट वीडियो से हमारा जो स्टडी होगा यह आपका वीडियो नंबर 3 हो जाएगा, वह क्या होगा, द स्टडी इन ब्रीफ ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स होगा। तो आज का क्लास यहीं तक, ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बाय।